हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चे अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक ओपन करेंगे, क्लास फोर्थ चैप्टर वन पेज नंबर फोर ओपन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लाइफ इन द रीजन, कि कैसे लाइफ होती है हमारी हिमालयन क्षेत्र में। उसके बाद पढ़ेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। इसमें यहाँ पे आज की डेट मेंशन करेंगे 23 अप्रैल 2021। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज मीन्स जो हमारे हिमालय हैं उनका क्या महत्व है, हाई माउंटेन, उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं, हाई माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स ऑफ द हिमालयाज एक्ट्स एज ए बैरियर अगेंस्ट एनिमीज एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। जो हिमालय की ऊंची चोटी है वो बैरियर यानी कि एक रुकावट पैदा करती है हमारे जो दुश्मन है, जो दुश्मन देश है उनके अगेंस्ट। मीन्स अगर हिमालय ना होता तो प्लेन रास्ता होता तो जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो ईजिली हमारी कंट्रीज़ में आ सकते हैं। बट अभी हिमालय की चोटी हैं बीच में, तो उनको पार करना किसी के लिए बहुत ईजी बात नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे देश को सुरक्षित रखने में, डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। जो ठंडी हवाएं साइबेरिया से चलती हैं उनको ये पहाड़ी जो ऊंची चोटी होती हैं हिमालय की, उस उनको रोक लेती हैं हमारे देश में आने से। अगर वो हवाएं हमारे देश में आती हैं तो जो ठंड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने अभी महत्वपूर्ण बातें जानी कि क्या महत्व है हिमालय का हमारे लिए। पहला, जो इसकी ऊंची चोटी है वो एनिमीज से बचाती है कि कोई भी एनिमी हमारे कंट्री में एंटर ना कर पाए। दूसरा, जो साइबेरिया से कोल्ड विंड्स आती चलती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, द हिमालय प्रिवेंट रेन बियरिंग मानसून क्लाउड फ्रॉम एस्केपिंग नॉर्थवर्ड्स बियॉन्ड इंडिया। जो हिमालय की चोटी हैं क्लाउड्स को, जो बादल होते हैं उनको एस्केप करती है नॉर्थवर्ड से बियॉन्ड इंडिया, यानी कि इंडिया की तरफ लाती हैं। दिस कॉजेज रेनफॉल इन एंटायर नॉर्थन इंडिया, जिसके कारण जो नॉर्थन इंडिया है, उत्तरी भारत है, उसमें बारिश होती है मानसून में। मानसून के बादल होते हैं ना, मानसून के बादल आ रहे हैं वो हिमालयों के कारण ही आते हैं। नेक्स्ट, देयर आर डेंस फॉरेस्ट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। डेंस का मतलब है घने जंगल है हिमालयों पे, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। ए रिच वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। इन घने जंगलों में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजाति पाई जाती है और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं जिनसे हम मेडिसिन वगैरह में भी काम आते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, द हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर्स मेक्स आवर लैंड फर्टाइल। जो हिमालय है वो एक मुख्य स्रोत है हमारी मेन नदियों का। जो मेन नदियां हैं हमारी, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटीज का मतलब है इनसे कट के बहने वाली जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। अगर कोई जैसे गंगा नदी है, ये बहुत बड़ी है, बट फिर आगे जाके धीरे धीरे ये छोटी छोटी नदियों में विभाजित हो जाती है। जो वो छोटी छोटी नदियों में विभाजित होती है उसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। और जो ये नदियाँ होती हैं इनका पानी से
हमारी जो ज़मीन है वो फर्टाइल उपजाऊ बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी क्या जाना, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज, हिमालयों का महत्व क्या है हमारे लिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नो आई नो, हमने क्या क्या जाना इस चैप्टर में और क्या हमने पढ़ा, इसकी एक समरी है। द नॉर्थन माउंटेन्स स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो नॉर्थन माउंटेन्स है वो स्ट्रेच हो रही है, नॉर्थन बाउंड्री मीन्स जो नॉर्थन उत्तरी भारत की बाउंड्री है वहाँ तक स्ट्रेच हो रही है जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं। द हिमालयाज हैव थ्री रेंज, जो हिमालय है उसकी तीन रेंज है, ग्रेटर हिमालयाज जिसको हिमाद्री रेंज बोलते हैं, द लेसर हिमालयाज हिमाचल बोलते हैं, और द आउटर हिमालयाज शिवालिक रेंज, तीसरी है शिवालिक रेंज। और नेक्स्ट है द हिमालय प्रोटेक्ट्स आवर नॉर्थन बॉर्डर्स, जो हिमालय है वो हमारे जो नॉर्थन बॉर्डर है उत्तरी भारत का सीमा है उसको प्रोटेक्ट करता है। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फ्रीजिंग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, जो उत्तरी भारत से आने वाली ठंडी हवाएं हैं उससे रोकता है। एंड रिटेन रेन बियरिंग विंड्स दैट कॉज रेनफॉल थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, और जो रिटेन करता है उन बादलों को वहीं रखता है और हवाओं को, जिसकी वजह से बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, प्रोग्रेस माइलस्टोन। प्रोग्रेस माइलस्टोन में हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही को करेक्ट करना है और जो सही नहीं है उसको क्रॉस करना है। द मीनिंग ऑफ द टर्म हिमालय इज अबोड ऑफ स्नो, जो हिमालय का मतलब है उसका अबोड ऑफ स्नो, स्नो बर्फ से ढका हुआ, बिल्कुल सही, जी हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे टिक करेंगे यस पे। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल लेंस, बिल्कुल सही, जो हिमालय है वो तीन रेंज को कंसिस्ट, पैरेलल रेंज को कंसिस्ट करता है, जिसको मैंने आपको अभी बताया, ग्रेटर हिमालयाज द लेसर हिमालयाज एंड द आउटर हिमालयाज, तो ये भी करेक्ट है, तो हम यस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वुलर एंड द डल लेक्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही, जो वुलर और डल झील है ये जम्मू कश्मीर में है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो यस पे टिक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है वुमेन इन मणिपुर वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड पाकू, जो महिलाएं हैं मणिपुर की वो पहनती हैं लॉन्ग स्कर्ट, उस जिसको बाकू बोला जाता है, नहीं ये गलत है। हमने कल पढ़ा था लाइफ इन द रीजन में जो सिक्किम की महिलाएं हैं वो पहनती हैं लॉन्ग स्कर्ट जिसको बाकू बोला जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसके आगे रोंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।